आज के वीडियो में आपको नहाने के पानी का एक अजीब टोटका बताने जा रही हूँ, अद्भुत टोटका बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नित नई ऐसी नवीन जानकारी आपको देती हूँ जो आपके जीवन में प्रकाश के समान होती है। मैं आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पर बहुत वीडियो बन चुके हैं उन पर ही कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक पर आपको ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी होती है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास कुछ अपना ओरिजिनल नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों के बनाए हुए वीडियो की ही कॉपी करके और अपने वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत समय से सोच रही थी इस बारे में अपने विचार रखूँ, लेकिन मैं अवॉइड करे जा रही थी। लेकिन मैं ऐसे बहुत से टॉपिक देख रही हूँ जिन पर मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई है, और फिर मैं देखती हूँ कि उन्हीं को लोग नए तरीके से प्रस्तुत करके और व्यू बटोर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सच्चे लोगों से जुड़ो, अच्छे लोगों से जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे ओरिजिनल जानकारी आपको दिनों दिन मिल सके, नवीन जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी अच्छी और नई जानकारी लाने के लिए। आज इसी क्रम में एक नई जानकारी आपको बता रही हूँ, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आपको आज मैं कुछ ऐसे लोगों को अपने वश में करने का उपाय बता रही हूँ जो आपके घर के ही सदस्य हैं, क्योंकि ये उपाय बाहर करना मुश्किल है, ये आप अपने घर के ही लोगों पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगी, नैतिकता का ध्यान रखें। अगर कोई भी संबंध या कोई भी रिश्ता अनैतिक तरीके से अपने वश में करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रयोग बिल्कुल निष्फल होगा और काम नहीं करेगा, बल्कि पनिशमेंट भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सही तरीके से, जायज़ तरीके से, जिनको आप डिज़र्व करते हैं वहाँ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पति पत्नी पे कर सकता है, पत्नी पति पे कर सकता है, बच्चों के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपने स्नान जल का एक टोटका करना है। जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें लास्ट में थोड़ा सा पानी आपको बाल्टी में छोड़ देना है। उसके बाद उस पानी को लेकर और जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, जो आपकी हर बात को अवॉइड करता है, इंसल्ट करता है, नहीं सुनता आपकी बात को, तो अपने नहाने के जो बचा हुआ पानी है उसको उसके नहाने के पानी में आप मिक्स कर दो। बस इतना ही करना है, ऐसा करने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन मित्रों, अपने मन में उसके लिए हृदय में बिल्कुल भी नफरत ना रखें, और अब तक उसने आपके साथ जो भी गलत किया है उसके लिए उसको माफ़ जरूर कर दें और अपना संपूर्ण प्यार उस पर न्योछावर करें। ऐसा करने से आपका निश्चित रूप से 100% काम होने लगेगा।